हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि क्यों इतना ज़रूरी बन चुका है घर का खाना हमारे लिए और बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। आखिर क्यों आप लोगों ने इतना ज़्यादा बाहर के खाने की हैबिट डाल ली है, ये पता होते हुए भी कि वो खाकर हम कभी भी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकते। उसका सिर्फ एक और एक ही रीज़न है कि हमारे में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। तो आज मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ खाने में सिर्फ टेस्ट को प्रायोरिटी ना दें और सेल्फ कंट्रोल रख के ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। क्यों है वो ज़रूरी इतना, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर के खाने में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इनफैक्ट फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है। ये खाना प्यार, अच्छी फीलिंग्स और अच्छे मूड से बनता है। मुझे आज भी याद है कि मेरी नानी माँ हमेशा खाना बनाते समय पाठ और सिमरन करती थी, क्योंकि ऐसा खाना पॉजिटिविटी से भरपूर होता है। पर बाहर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए फूड सेल किया जाता है। सेकेंडली, घर के खाने में हमारा फुल कंट्रोल होता है इंग्रेडिएंट्स पर। बाहर के फूड सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी कॉस्ट को कम से कम रखते हैं, इसलिए वो कई बार सबसे लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर जाते हैं। बट घर में आप लोग बेस्ट क्वालिटी का ऑयल, स्पाइसेस और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग के चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता बिल्कुल भी। थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, घर का खाना प्रोसेस्ड नहीं होता। अब प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जिनको ऐसे कुकिंग मेथड्स या ट्रीटमेंट्स देकर बनाया जाता है जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ सके और उनका टेस्ट अच्छा होए। लाइक ओवर हीटिंग, ओवर बेकिंग, फ्रीजिंग और स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स को यूज़ करना। ये जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं ना, इनका सॉल्ट, शुगर और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, रेडी टू ईट फूड लाइक फ्रोज़न पिज़्ज़ा, माइक्रोवेबल फूड, कैन फूड, इन सब में न्यूट्रिशन वैल्यू मिनिमम होती है और सिर्फ टेस्ट ही होता है। फोर्थली, आप लोग स्पेशली बच्चे जंक फूड की तरफ बहुत भागते हैं। जंक का मतलब ही ट्रैश है, यानी कूड़ा। ये वो चीज़ है जो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गंभीर बीमारियां जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को इनवाइट करती हैं। वंस इन अ वाइल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी हैबिट बहुत हार्मफुल है। फिर वो पास्ता हो या हैमबर्गर्स, पिज़्ज़ा हो या चिकन नगेट्स या फिर फ्रेंच फ्राइज, ये सब हाई है कैलोरीज में, न्यूट्रिएंट्स में नहीं। एंड द लास्ट वन, जब फैमिली मेंबर्स मिलकर खाना बनाते हैं ना, तो वो हमेशा कुछ न्यू ट्राई करते हैं या कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं, हंसते हैं और फन मेमोरीज बनाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीव करने का और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का। सो फ्रेंड्स, फ्रेश सीजनल सब्जियों का स्वाद और ताकत लें। इंडिया में तो हर सीजन की स्पेशल वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं और इनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। और थोड़ा बहुत देसी घी भी ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। एंड फाइनली से यस टू घर का खाना। बाय फ्रॉम मन, सी यू सून।